शायद आपको मालूम नहीं कि हर साल 30 से 20 स्पीशीज़ इस धरती से अंत हो रहे हैं। इसका मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, जो इंसान हर बार करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वो 5 एनिमल जो आने वाले कम से कम 10 से 20 साल में तो अंत हो सकते हैं। सो ये एनिमल्स को अगर आपने कभी भी देखा है तो प्लीज़ इनको हंट ना करें और इनको परेशान मत करिएगा। तो शुरुआत करते हैं चीता से। शायद आपको मालूम रहेगा कि चीता इस धरती का बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर रहेगा। शायद आपको ये मालूम नहीं रहेगा कि इसका तेज़ कम से कम 80 से 120 किलोमीटर है। ये तो शायद आपको फैक्ट्स में तो पता चल सकता है, पर आपको ये मालूम नहीं कि आने वाले 10 से 20 साल में अंत हो सकता है। इसका मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। भले ये लोग डेंस फॉरेस्ट में जीते हैं। तो अगला नंबर में आता है पैंडा। शायद आपको मालूम रहेगा कि पैंडा इस धरती का बहुत क्यूटेस्ट एनिमल रहेगा। आपको ये मालूम नहीं रहेगा कि आने वाले 10 से 50 साल में तो ये अंत होएंगे। तो इसीलिए हर साल कम से कम 18,000 पांडास इस धरती से गायब हो रहे हैं, ड्यू टू उनको पेड़ पौधे खाना और बहुत सारी चीज़ों को कमी पड़ती है। इसका मेन रीज़न है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट। तो अगला नंबर में आता है ब्लू व्हेल। अगर आप किसी ने भी आपसे एक सवाल पूछा है कि इस धरती का बहुत बड़ा जानवर कौन सा है, शायद आप बताएंगे ब्लू व्हेल। शायद आपको ये मालूम नहीं रहेगा गए हुए 100 सालों में इनका पॉपुलेशन बहुत कम हो चुका है। इसके पीछे सिर्फ हंटिंग और इनका स्किन के लिए नहीं, इसका और एक रीज़न है जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले 100 साल में बहुत सारे ब्लू व्हेल अंत हो चुके हैं। और इसका और एक राज है कि ये मेनली पोल्यूशन से स्टार्ट होती है। और ऐसा ही ये चलता रहा तो आने वाले 10 से 20 साल में इनका अंत हो सकता है। तो अगला नंबर में आता है ग्रिजली बियर्स। आपको सुनने में ये हैरानी होगी कि इन ग्रिजली बियर्स को कम से कम 1,500 किलोमीटर रेडियस का एक बड़ा टेरिटरी चाहिए। साइंटिस्टों को लोग ने इतना खोज करके ढूंढा है कि इनको इतना बड़ा जगह नहीं मिला हो तो वो लोग मरते हैं। क्यों इनको इतना बड़ा जगह चाहिए करके इनको कम से साइंटिस्टों को 3 साल लगा। तो जवाब निकला इनको घूमना था, बहुत अजीब जवाब था। तब भी ये ग्रिजली बियर्स इस धरती को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये ग्रिजली बियर्स नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स का लिस्ट में आ गया। और अगला नंबर में आता है हाउलर मंकी। शायद आपको हाउलर मंकी के बारे में ज़रूर मालूम नहीं रहेगा। इसका ऐसा क्या खास बात है? पहला ये है कि इस धरती का बहुत लाउडेस्ट एनिमल का नाम का कहा जाता है। साथों साथ इनका आवाज़ कम से कम 3 किलोमीटर दूरी में जो बंदर है उसको भी सुनाई देगा। सिर्फ बंदरों को नहीं इंसानों को भी सुनाई देगा, इतना बहुत तेज़ आवाज़ रहेगा हाउलर मंकी का। क्योंकि ये गए हुए 7 सालों में अंत हो गए हैं, इसीलिए इनको हंट करने से मना किया गया है। ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 से 20 साल में इनका अंत हो जाएगा। इसका अंत होने का रीज़न सिर्फ हंटिंग ही नहीं, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट। तो थैंक यू हमारा वीडियो को देखने के लिए। हम लोग हर हफ्ते एक नए नए वीडियो को लेके आएंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।